इन दिनों चारों तरफ एक ही नारा, एक ही जयकारा गूंज रहा है, गणपति बब्बा मोरिया, गणपति बब्बा मोरिया, मोरिया रे मोरिया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये मोरिया क्या है? आपको बता दें, मोरिया गणपति का कोई नाम नहीं है। मोरिया नाम के पीछे, मोरिया शब्द के पीछे एक इतिहास है, और हम यकीन करते हैं कि ये आपके लिए बेहद अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि गणपति बब्बा मोरिया हम सुनते आए हैं, लेकिन आज तक हम नहीं जानते हैं कि आखिर क्या है मोरिया। अलग अलग जगह अलग अलग तरह से बुलाया जाता है। कई जगह कहा जाता है कि गणपति बब्बा मोरिया, चार लड्डू चोरिया, अलग अलग तरह से होता है। लेकिन आपको बताते हैं मोरिया नाम के पीछे का राज क्या है। मोरिया एक गणेश भक्त है। कहते हैं 14वीं सदी में पुणे के समीप चिचवड़ में मोरिया गोसावी नाम के एक भक्त थे। वो गणेश के इतने बड़े भक्त थे कि उनकी साधना को सभी लोग मानते थे, कठोर साधना में लीन रहते थे, गणेश के बड़े भक्त कहे जाते थे। और यहाँ तक कि मोरिया गोसावी ने जीवित समाधि ली थी। यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि देश में विख्यात है, और इन्हीं के नाम के साथ ये शुरू हुआ है। गणेश भक्तों ने गणपति के नाम के साथ साथ मोरिया का नाम भी जोड़ना शुरू कर दिया, और तभी से चला आ रहा है गणपति बब्बा मोरिया। ये मोरिया जो है वो गणपति के भक्त थे, और आज गणपति के नाम के साथ साथ कितने जुड़ चुके हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मोरिया शब्द आखिर कहाँ है। जैसे ही गणपति जी का नाम आता है, मोरिया शब्द ऑटोमेटिक आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो यह है भक्ति और साधना का असर।